अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा बेटा हो चुका है फाइव मंथ्स का और अभी मैंने उसके लिए सॉलिड स्टार्ट किए हैं टू टू थ्री डेज़ हुए हैं खाने की तरफ वो बहुत ज़्यादा लपकता है अब मैंने कहा अब इसके लिए थोड़े से सॉलिड स्टार्ट करूँ वैसे तो सिक्स मंथ्स में देने चाहिए डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन तो यही होती है लेकिन मैंने अभी स्टार्ट कर दी क्योंकि इसको खुशबू आती है खाने की और फिर ये रोता है कि मुझे भी खिलाएं मैं ईसा को जो भी सॉलिड्स खिला रही हूँ बस उसको टेस्ट ही करवा रही हूँ कुछ ज़्यादा नहीं खिला रही कि कोई पता नहीं होता बच्चे की तबीयत का उसको टेस्ट लग जाए बस सब खाने का इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको थोड़ा सा लाइट लाइट खिलाना शुरू करूँ अभी ये फ़ाइव मंथ्स और फिफ्टीन डेज़ का हो चुका है तकरीबन सिक्स मंथ्स का होने ही वाला है सबसे पहले आज मैंने इसके लिए लिया है जी अंडा अंडे को बॉईल किया है और उसकी जर्दी निकाली जर्दी को हाफ किया है और हाफ जर्दी को मैंने मैश किया और उसके अंदर उबला हुआ पानी डाला है थोड़ा सा उसको अच्छी तरह पेस्ट बना लिया ऐसा पेस्ट बनाया कि थोड़ा सा फ्लोई सा हो गया है सख्त नहीं है जर्दी मुझे तो बच्चे से खाने ना हो ऐसा तो नहीं मैंने किया लेकिन मैं बिल्कुल फ्लोई सी की है ताकि आराम से उसके मुंह में चली जाए वो खा ले अभी मैंने मोहम्मद ईसा को वो एग जो खिलाई है और इसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया है जब बच्चे इस एज में होते हैं तो हर चीज़ मुंह में डालने का उनको दिल करता है शौक़ होता है उनको हर चीज़ खाने का मैं इसके सामने मोबाइल भी रखती हूँ तब भी वो मुँह खोलता है उससे तो नहीं पता कि ये खाने की चीज़ है लेकिन बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके मुंह में कोई ना कोई चीज़ हो इस ने भी माशाला से खा लिया अब मैं इसको कॉलिक्स के ड्राफ्ट दे दूंगी ताकि उसने जो खाया वो उसको हज़म हो जाए मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट ही खिलाया था बिल्कुल वो जो मैंने इसके लिए किया था उससे भी कम खिलाया था फुल नहीं खिलाया था इतना बेस्ट रहता है बच्चों के लिए इस एज तक फाइव टू सिक्स मंथ में बच्चों को सब कुछ टेस्ट करवाना चाहिए ताकि उसको आदत लगे मोहम्मद ईसा को मैं टू मिल्जा डे दे, दे रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दो दफ़ा दे रही हूँ क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है और सुबह के टाइम तो मैंने इसको दी थी अंडे की जर्दी हाफ और अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं इसको अभी गंदम का सीरीक देने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था इस टाइम ये भी काफ़ी अच्छा होता है आयरन विटामिन ए सी वग़ैरह इसमें होते हैं और ये बच्चों के लिए ज़रूरी है मैंने कहा वन टेबल टू स्टू टेबल स्पून मैंने डाला इसको और पानी डाल दिया बॉय पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसकी कंसिस्टेंसी मैंने फ़्लो ही रखी सख्त नहीं रखा ताकि बच्चे से खाने हो जाए इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चॉइसिस किया करें ताकि बच्चे बोर ना हों कल मैंने मोहम्मद ईसा को केला खिलाया था मैश करके और आज मैं इसको सीरीलैक्स दे रही हूँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एप्पल प्यूरी कैरेट प्यूरी भी दे सकते हैं आप बच्चों को काडो प्यूरी भी दे सकते हैं सूजी की खीर भी बहुत अच्छी होती है और अंडा तो बहुत ज़रूरी है अंडा लाजमी बच्चों को दिया करें जिस भी एज में आपके बच्चे हैं अंडा एक मकमल ख़ुराक है इसमें बहुत सारी गुजाइत होती है बेबीज़ के लिए सारी रेसिपीज़ खानों की मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टेट मोहम्मद ईसा मज़े लेके कर सिलेक खा रहा है इसके बाद मैं इसको कॉलिक्स के ड्रॉप्स दे देती हूँ जो बहुत अच्छे रहते हैं उससे पेट का हाजमा भी ठीक रहता है कोई मसला भी नहीं होता उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है नेचुरल इंग्रीडियंट्स से बनना होता है और कोई इसका मसला नहीं है ऐसा वैसा अच्छा रहता है मैं इसको जब भी कोई चीज़ खिलाती हूँ इसके मुँह में डालने लगी होती हूँ तो, तो मेरे हाथ पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और चीज़ मुँह में जाने नहीं देता सब कुछ गिरवाता है नीचे अभी भी यही कुछ कर रहा है मेरे हाथ पकड़ लेता है और स्पून मुंह के अंदर जाने ही नहीं देता इस एज में शायद सब भी बच्चों के साथ ऐसे होता है कि उनको हर चीज़ खाने का दिल करता है आज के लिए मैंने इसको यही चीज़ें दी दो ही मील्स दिए सॉलिड्स के आहिस्ता आहिस्ता जब ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा मैं इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करती जाऊंगी और वैरायटी भी इंक्रीज़ करूंगी बनाना बच्चों को लाजमी खिलाना चाहिए उसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कैल्शियम रिच फॉर्म में मौजूद होती है जिससे बच्चों की हड्डियाँ और दांत मज़बूत होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इस एज में बच्चों के लिए मोहम्मद ईसा मैश हुआ अकेला आराम से खा लेता है खुशी से खा लेता है माशाल्लाह। जब हम खाना खाते हैं तो मोहम्मद ईसा को खुशबू आ जाती है और बहुत ज़्यादा शोर मचाता है कि मुझे भी कुछ खिलाया जाए अभी इसकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट भी बढ़ती जा रही है माशाला से आज मैंने इसको यही दो मील्स दिए नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो लाजमी शेयर करूँगी जब मैं ईसा को कोई मील्स ट्राई करूँगी न्यू आपके साथ भी शेयर करूँगी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़